कोई लाइन वगैरह नहीं है। देखिए चाहे जैसे गाड़ियां घुस रही है, देखिए ये एक्सप्रेस हाईवे का नज़ारा है। देखिए कैसे गाड़ियां फंसाई है लोगों ने, देखिए एक बार, ये देखिए कोई कतार कोई लाइन नहीं है, देख सकते हैं आप। दीजिए अपना, आपको क्या दिक्कत है बोलिए। नहीं मैं बंद कर लूंगा, बताओ दिक्कत क्या है। हम तो ये बाबा गले थोड़ी कह रहे हैं, ये बताओ। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटा घर के पास सुजानगढ़। देखिए मैं इस समय कानपुर आगरा स्टेट हाईवे एक्सप्रेस हाईवे पर हूँ। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों ने जाम लगा रखा है। कोई कायदा कानून नहीं है, कोई लाइनें नहीं है, ये कोई शहर का नजारा नहीं है। टोल पर देखिए गाड़ियां लोगों ने इधर उधर से फंसा दी है और लोग पूरी तरह से जाम में फंस चुके हैं। कोई नियम कोई कायदा हमारे देश में लोगों में नहीं है। गाड़ियां सबके पास अच्छी अच्छी है लेकिन दिमाग किसी का अच्छा नहीं है। देखिए दोस्तों, भारतीय लोगों का दिमाग देखिए टोल में फंसने के लिए, कोई लाइन वगैरह नहीं है। देखिए चाहे जैसे गाड़ियां घुस रही है, देखिए ये एक्सप्रेस हाईवे का नजारा है। देखिए कैसे गाड़ियां फंसाई है लोगों ने, देखिए एक बार, ये देखिए कोई कतार कोई लाइन नहीं है, देख सकते हैं आप। ये स्थिति हमारे देश की, देखिए टोल पर ये कोई जाम नहीं है, टोल का नजारा देखिए। विदेशों में यूरोपियन कंट्रीज में लोग लाइन से चलते हैं और कोई जाम नहीं होता, यहाँ पर ये टोल का नजारा देखिए आप। ये देखिए कैसे लोग घुस रहे हैं, देखिए बिना लाइन के, देखिए कैसे गाड़ियों फंसा रखे, देखिए आप। हालत है क्या, दिक्कत हो गई ना, कहां से लोग गाड़ियां फंसा रहे हैं। देखिए एक बार, देखिए पीछे से गाड़ी आकर फंस रही है, देखिए अब कहां से निकलेगा कोई। देखिए कोई नियम कोई कायदे कानून हमारे देश में नहीं है, देखिए। और इधर देखिए वन वे वाली गाड़ी आराम से निकल गई, लेकिन यहाँ देखिए कैसे गाड़ियां फंस गई है। देखिए आगरा से कानपुर एक्सप्रेस हाईवे का ये दृश्य देखिए, कोई कानून कोई कायदा नहीं है हमारे देश में। देखिए कैसे लोगों ने गाड़ियां फंसा दी है पूरी तरह से और जाम लग चुका है। विधायकी जी की गाड़ी भी फंसी हुई है, देखिए जी चले गए हैं और टोल वालों के पास। ये देखिए फास्टैग के चक्कर में इस गाड़ी को रोककर रखा गया है और सारी गाड़ियां फंस गई है। देखिए देखिए कितना भयंकर जाम लगा रखा है ये लोग लालच के चक्कर में। आप लोगों की मशीनें खराब है तो फिर ही छोड़ो, और चार चार घंटा से गाड़ी दौड़ा के आएगी और चार चार घंटा लगा दिया तुम लोग टोल प्लाजा में। ये कहाँ की बात है, देश को खराब करने वाले लोग लालची वाले आदमी। भैया तो अपनी मशीने सही रखो, फास्टैग सही रखी है, कब हो गए कर तो मिलेगा चल रहा है तो से। तुम्हारी मशीने खराब हो जाएगी, चार चार घंटे से लगे हुए शांत कैसे ले जा, खराब कर दिया। कैसे गाड़ियां फंसी हुई है देखिए, देखिए बाबा देखिए क्रोध में आ गए हैं। देखिए बाबा चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए क्या कह रहे हो, बोलिए। मैं अपने चलाऊंगा, आप गाड़ी से मतलब नहीं, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। चार घंटा से लगा हुआ भूखा, आपको क्या दिक्कत है बोलिए। नहीं मैं बंद कर लूंगा, बताओ दिक्कत क्या है। हम तो ये बाबा गलत थोड़ी कह रहे हैं, ये बताओ। नहीं मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, बाबा कह रहे हैं। क्यों नहीं बनाएंगे रिपोर्ट, वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे, बोलिए। ये देखिए उल्टा चिल्ला रहे हैं वीडियो बनाने पर, देखिए उल्टा धमका रहे हैं पत्रकारों को, बेशर्म आदमी। ये देखिए पुलिस की गाड़ी भी फंसी हुई है। ये देखिए पुलिस पहुंच चुकी है यहाँ पर, देखिए ये
टोल वाला उलझ रहा है उल्टा लोगों से। ये स्थिति है हिंदुस्तान के टोल की।